इन तस्वीरों में नजर आते हैं। स्थानीय रहवासी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमेश, उमेश विस्फोट जब हुआ तब आप मौजूद थे क्या वहां? हाँ, पास में था, हमारा घर पास में था। बताइएगा किस प्रकार का इफेक्ट रहा है, ये बताया गया है क्या कि कितने लोग घायल हुए, कहाँ कहाँ मौजूद थे वो? जी, विस्फोट हुआ तो ऐसा लगा कि कहीं बम फूटा बहुत बड़ा, करीबन 15 से 20 किलोमीटर तक उसकी भूकंप के झटके टाइप के लगे, घर के कांच फूट गए, आसपास रहने वालों के मकाने गिर गए, वहाँ के समीकरण जो थे आसपास के जो फैक्ट्री के वहाँ के मकाने ध्वस्त हो गए, और करीबन 5-5 किलोमीटर तक के घरों के कांच बर्तन गिर पड़े, हादसा बहुत जबरदस्त था। इन मकानों में कौन रहता था उमेश, जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे उनके मकान थे क्या? नहीं, कर्मचारी वहाँ पे वो बसियत इलाका, एक छोटा गांव वाला बसियत इलाका है, करीबन वहाँ पे 100 के लगभग घर है, 100-150 के लगभग, तो उन घरों में महिलाएं रहती थी, सब मजदूर वर्ग रहता था वहाँ पे, पटाखा फैक्ट्री में वहाँ पे खेड़ीपुरा स्थित है, खेड़ीपुरा से वहाँ पे काम करने जाते थे कुछ मजदूर लोग, तो करीबन 100-150 का स्टाफ वहाँ पे काम करता था। आग बुझा ली गई है उमेश पूरी? आग तो 3 दिन नहीं बुझा, अभी 3 दिन अभी तो आग तो है, अभी छोटे छोटे भपके उठ रहे हैं, बारूद जहाँ पे भपकता है वहाँ पे बम का धमाका होता है, अभी तो कार ही लगा हुआ, पूरा प्रशासन लगा है आसपास का, इटारसी है अपने इटारसी। उमेश, ये भी बताइएगा ये मकानों की परमिशन यहाँ पर थी क्या, क्योंकि ये फैक्ट्री ऐसी है जहाँ पर आसपास लोग नहीं होने चाहिए थे? हाँ, ये फैक्ट्री ऐसी है, परमिशन तो मकानों की ऐसी है कि पुराने गांव वाले मकान है, लेकिन फैक्ट्री अभी बनी है। अच्छा। मकान तो पूर्व की है, फैक्ट्री अभी बनी है, पिछली बार भी पेलम भी हादसे हो चुके हैं यहाँ पे, तो वो छोटे रूप में हुए, ये बहुत बड़े रूप में हुआ पहली बार। ठीक है, ये भी बताइएगा बस ये आखिरी सवाल आपसे उमेश, कि ये माना जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर जनहानि हो सकती है, इस बारे में आपको कोई सूचना लगी है? एसडीआरएफ की टीम शायद पहुंची है वहां? सैकड़ों की तादाद में तो अस्पतालों में भर्ती कराए गए, एम्बुलेंस चल रही है, करीबन 20-25 एम्बुलेंस चल रही है, सैकड़ों की तादाद में भर्ती कराए गए हैं, कुछ बॉडी भी निकली है, अभी उनकी गिनती करना संभव नहीं, लेकिन अंदर कितने हो सकते हैं अभी अंदर घुसने पे पता करेगा, पर अभी अंदर घुसना बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी बारूद बिछा हुआ है पूरा। ठीक है, यानी कि अभी तक अंदर एंटर नहीं कर पाई है टीम। बहुत शुक्रिया आपका उमेश, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और वहां के जो रहवासी हैं उनसे भी हमने बातचीत करके आपको बताया कि मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ग्रामीणों ने घर बनाए हुए थे, फैक्ट्री बाद में यहां पर बनी है, कैसे परमिशन मिली ये भी अब जांच का विषय हो जाएगा, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति ये है सीधे सीधे कि अभी भी आग धधक रही है। फैक्ट्री है पटाखा की, वहाँ पर सुबह विस्फोट हुआ है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी तक 59 लोग इंजर्ड होने की हमें सूचना मिली है, और अभी कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर, डेथ की क्या कन्फर्म है अभी? 6 डेथ की हमें रिपोर्ट मिली है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है सर, इन घायलों को कहाँ? घायलों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम भोपाल और इंदौर भी रिफर कर रहे हैं, और आसपास से एम्बुलेंस। तो आप देख रहे हैं कलेक्टर और उनकी जो टीम है वो लगातार मौके पर तैनात, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी तक आंकड़ों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये जरूर बता सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पहुंचा चुके हैं हम अस्पताल, सैकड़ों की संख्या में ये लोग हैं ये भी बताया जा रहा है, और लगातार तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो ये बताती है, ये सबसे पहली तस्वीर सामने आई थी जिसमें लोग भागते हुए नजर आए थे, पीछे आग धधकती हुई दिख रही थी, उसके बाद से ही अफरा तफरी का मंजर शुरू हुआ, उसके बाद से पता लगाया गया कि भाई आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। और ये स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी यहाँ पर थी, जैसे ही आग लगी यहाँ पर सभी एकत्रित हो गए, और जो रहवासी इलाका जहाँ पर आग लगी थी वहाँ से भागकर इसी क्षेत्र में आकर ठहरे हैं जहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये तीसरी तस्वीर हम एम्बुलेंस के आपको दिखा रहे थे, और ये वो मंजर है जो बताता है कि विस्फोट के बाद यहाँ पर दृश्य क्या रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, पत्थर फेंके हुए आपको नजर आएंगे, और ना सिर्फ पत्थर बल्कि कुछ लोग भी आपको जमीन पर पड़े हुए दिखेंगे। कैसी हालत में है, मृतावस्था है, ठीक है या मूर्छित है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। तो लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हरदा का ये हादसा जो निश्चित तौर पर हड़कंप के तौर पर सामने आया है, इस पर लगातार नजरें बनी हुई हैं, और हर एक पल एक नई अपडेट के साथ सामने आता है, और कई बार मन में भी ये चौंका देने वाली घटना चुकी है, विचलित कर देने वाली घटना चुकी है। लगातार प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैनात, सेना की मदद ली जाएगी इस बारे में भी जानकारी, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, और इतने बड़े स्तर पर यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है कि हेलीकॉप्टर से
अब एयरलिफ्ट किया जाएगा। 50 एम्बुलेंसेस भेजी जा चुकी हैं, कई जिलों से फायर ब्रिगेड भी रवाना हो चुकी हैं। ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सेना की टुकड़ी पहुंचने वाली है बहुत ही जल्द, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, क्योंकि अब ये स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि स्थानीय जो प्रशासन है और स्थानीय जो एम्बुलेंसेज हैं उनसे अब स्थिति मुझे लगता है कि नहीं संभल पाएगी, क्योंकि जो आग है अभी भी बुझी नहीं है। करीब 100 से 150 ऐसे लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं उस फैक्ट्री में, उनकी क्या हालत हुई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सेना को पहुंचने में कितना समय लगेगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, ये भी समझा जा